तो गाइस अभी मेरे पास रिसेंटली कंसल्टेंसी कॉल्स जो आ रही हैं, मेरी टीम के पास जो कॉल्स आ रही हैं, वो ये कॉल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि किचन को लेके यार कलर कॉम्बिनेशंस बताओ, क्या ग्रे करें, वाइट करें, हाई ग्लॉस लगाएं, मैट लगाएं, ऊपर का कलर कुछ, नीचे का कलर कुछ, या रैंडम कलर कुछ करें। तो ऐसे मैंने देखा यार इतनी सारी कंसल्टेंसी कॉल्स आ रही, तो क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाएं। और मैंने फिर पोल किया, तो पोल में वार्डरोब या कबर्ड किसके डिजाइन के बारे में बात करना है, तो जीता हमारा किचन कबर्ड का डिजाइन पोल में। तो अगली बार से पोल आते रहेंगे, उसमें भी जरूर बताते रहना किस चीज के ऊपर आपको वीडियो चाहिएगी, और कमेंट्स में भी आप डाल के बता सकते हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप किचन बनाने के लिए चलो डिसाइड कर लिया कि घर के किचन को रेनोवेट करते हैं या किचन नहीं बनवाने जा रहे हैं, तो कौन से कलर्स आपको सबसे सूदिंग फील देने वाले, चाहे आप, फर्क नहीं पड़ता आप साउथ में रहते हो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, किसी भी जोन में रहते हो, सेंटर में रहते हो, तो सबके टेस्ट के हिसाब से मैं सारे कलर कॉम्बिनेशंस आपको बताने वाला हूँ जिससे आपकी किचन बनेगी मस्त। और सबसे बड़ी चीज़ जो घर में लेडीज़ होती हैं और जो गेस्ट में साथ में लेडीज़ आती है, वो सबसे पहले पता है क्या देखती है? किचन ही देखती है। और किचन कैसी दिखती है ये उस पर डिपेंड करता है कि भाई भाई तुम्हारी किचन बहुत सही लग रही है। तो अगली बार अगर कोई बोले किचन किससे डिजाइन करिए, तो हमारा नाम ले सकते हो, थोड़ा सा यार प्रमोशन हो जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटर कोच पे, और मैं हूं आप इंटर कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत, जहां होगा बजट आपका, डिजाइन हमारा, और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। तो और भाई इंस्टाग्राम पे वीडियोस आ रही हैं जिसमें मैं, रील्स आ रही हैं जिसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई कॉस्टिंग कितनी है, मटेरियल कौन सा बढ़िया था, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही, जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और व्लॉगिंग चैनल भी आ गया है मनीष शेरावत व्लॉग्स के नाम से, जाके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले देखो, जब किचन को हम डिजाइन करने के निकलते हैं तो चार थीम के बारे में बात की जाती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बोल्ड थीम के बारे में। बोल्ड मतलब बोल्ड कलर्स हो गए, जैसे येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ये कलर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं न्यूट्रल कलर्स, न्यूट्रल जो आंखों को सूदिंग लगते हैं, जैसे कि बेज हो गया, व्हाइट हो गया, क्रीम हो गया, ऑफ व्हाइट हो गया, या और भी पेस्टल, पिस्ता कलर हो गया, लाइट पिंक हो गया, ये सारे कलर्स होते हैं। कंटेम्प्रेरी होते हैं, कंटेम्प्रेरी में जो शेड आते हैं वो आते हैं ग्रे, वुड, ब्लैक एंड व्हाइट, ये चार कलर्स का यूज करना होता है। और लास्ट जो होता है ट्रेडिशनल। तो अब इसमें से और कौन सी होती हैं वो हम आगे आगे जैसे जैसे हैं वो जानेंगे सारे। तो बोल्ड, कंटेम्प्रेरी, न्यूट्रल एंड ट्रेडिशनल, ये चार थीम्स होती हैं, ठीक है। अब शुरुआत में करता हूँ बोल्ड से, और भाई वीडियो को देखना पूरा, वो क्यों, क्योंकि बीच में मैं कहीं आपको एक वो ट्रिक बताने वाला हूँ, और आखिरी में भी एक ट्रिक बताने वाला हूँ, दो ट्रिक रखी हुई है। मैं आपको बने बनाए कलर कॉम्बिनेशंस दूंगा कि अगर आपको बोल्ड में जाना है तो ये कलर कॉम्बिनेशन उस लेमिनेट का जो पूरे इंडिया में बुक अवेलेबल होगी, और इजीली दुकान में सिर्फ जो मैं कोड बताऊंगा, कोड दुकान वाले को दिखाना है, और उस कोड के ऊपर आपको सीधा सीधा वो लेमिनेट मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बोल्ड पे। अब मैं यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ और चलते हैं तो फिर मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। और भाई खर्चा बहुत ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब बटन दबा देना, बहुत ही मेहनत लगती है भाई, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं बोल्ड थीम के बारे में। देखो जब भी कोई थीम सेट करी जाती है तो थीम में चार एलिमेंट को सेट किया जाता है। सबसे पहले किचन के अंडर काउंटर को, जो नीचे वाला काउंटर होता है, उसके बाद उसके ऊपर जो ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, जो भी आप स्टोन रखते हो वो, उसके बाद बैक स्प्लैश मतलब कि जहां पे टाइल लगाई जाती है वो पोर्शन, एंड द लास्ट स्टेज इज आपका ओवरहेड का कैबिनेट जो ऊपर की तरफ लगते हैं, और फाइनली हम फ्लोरिंग को भी थोड़ा बहुत कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चार एलिमेंट्स होते हैं, इसी चार एलिमेंट्स में आपको थीम के साथ प्ले करना पड़ता है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं बोल्ड थीम के बारे में, ठीक है भाई, चलो ओके। तो देखो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब ये भी अगेन एक बोल्ड कलर है, इसमें देखो नोटिस करो क्या क्या चीज़ है। तो जब भी बोल्ड कलर को आप चूज करते हो तो उनका फायदा क्या होता है कि अलग अलग आपके इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, जैसे कि एक्साइटमेंट होना, या चेयरफुल फील लेके आना, या ब्लेसफुल फील लेके आना, ट्रस्टवर्दी होना, मतलब अलग अलग कलर्स की, जैसे कलर की पूरी एक साइकोलॉजी होती है, अगर आप कहोगे तो उस पर मैं वीडियो डाल दूंगा। तो ये बोल्ड कलर्स को इसलिए किया जाता है कि अलग अलग कलर साइकोलॉजी के हिसाब से हम प्ले कर सकें। जैसे किसी को बहुत खुश रहना पसंद है तो येलो हमेशा चूज करेगा। तो मैं आपको कुछ कलर के वो बता देता हूँ। जैसे रेड आप यूज़ करोगे तो आपको एक्साइटमेंट, स्ट्रेंथ और एनर्जी के लिए आएगा। अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ येलो कलर आए तो येलो कलर होता है क्रिएटिव, हैप्पीनेस और वार्म फील के लिए आ जाता है। ब्लू ट्रस्ट के लिए आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जितने भी ज़्यादातर बैंक्स देखोगे ना, उनके बोर्ड ब्लू होते हैं, जैसे SDFC हो गया, SBI हो गया, येस बैंक हो गया। तो ऐसे हर कलर अपना अपना एक वो लेके आता है। आप कहोगे कमेंट में डालोगे तो मैं नीचे डाल दूंगा कि कल कौन से कलर का कौन सा क्या होता है। तो अब अगर अब देखो इसमें डिज़ाइन की बात करें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर ब्राइट येलो है और आपने नीचे और ऊपर का काउंटर भी पूरा येलो कर दिया तो भाई जितना सुंदर वो लग रहा है उतनी जल्दी वो आंखों में चुभने भी लग जाएगा। तो हमेशा सिर्फ क्यों ऊपर वाले क्यों येलो मना कर रहा हूँ मैं, क्यों वो इसलिए रीज़न, क्योंकि आई लेवल पे जो कलर बार बार हिट करेगा वो सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत देता है। जो काउंटर के नीचे है तो आप जब चल के किचन में जाओगे तब तक आपको येलो कलर दिखेगा, लेकिन जब आप किचन में खड़े होकर काम करोगे तो आपकी आंखों पे हमेशा सूदिंग कलर दिखना चाहिए।
अब देख लो इसमें येलो अच्छा लग रहा है, व्हाइट अच्छा लग रहा है, फ्लोरिंग अच्छी लग रही है, नो डाउट पीछे टाइल्स है उनका भी ब्राइट कलर है, फ्रेम्स जो है जहां पे आप ज्यादातर हॉब पे काम करने वाले हो वो भी व्हाइट है, बाकी बाद में अगर कोनों में आपने इन्होंने ग्रे वगैरह जो भी है वो डाल दिया है। तो ये तो हो गया येलो कलर की बात। अब एक चलो आपको एक कलर और एक्सप्लेन कर देता हूं। अब ये अगेन एक बोल्ड कलर है, लेकिन अगेन कैबिनेट को कहां रखा है हमने, नीचे। सामने से देख रहे हो तो ब्लू, और ऊपर के कैबिनेट को क्या कलर रखा है, व्हाइट, और ब्लू के टॉप पे जो पत्थर है वो भी क्वार्ट्ज है व्हाइट में। तो अब देख रहे हो बेस्ट फील क्यों आ रहा है इसका, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपका बोल्ड कलर है, जो ब्राइट कलर है वो नीचे है, लेकिन जब आप किचन में काम कर रहे हो तो आपको व्हाइट कलर का फील रहेगा, सूदिंग रहेगा। तो जब आपके घर में गेस्ट आते हैं, जब लेडीज की जो किटी पार्टी होने वाली है उसमें जब वो किचन में जाएंगे, तो जब किचन की तरफ वॉक करते हो जाएंगे तो कलर तो एकदम प्यारा लगेगा, साथ के साथ जब वहां खड़े रहेंगे तो आंखों में कलर उतना शार्प कलर चुभेगा नहीं। तो इसलिए जब भी किचन को अगर आप बोल्ड में, ज्यादातर ये कलर जो होते हैं वो साउथ साइड में बहुत ज्यादा चलते हैं और मुझे भी पसंद है बट उतने नहीं, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो जैसे ये ब्लू है ये मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट है, तो मैं चाहूंगा तो इसका कहीं ना कहीं पिंच डाल सकता हूँ। स्टिल आपको मैं कुछ फोटोज दिखा देता हूँ कि और इस टाइप के लाउड कलर्स में किचन कैसे बन सकती है। ये येलो मैंने आपको दिखाई दी थी, आप देख रहे हो इसमें अगेन येलो व्हाइट, लेकिन पत्थर जो है ब्लैक है और बैक स्प्लैश की जो टाइल है वो ऑफ व्हाइट है। ये ग्रीन में लग रहा है ना, बढ़िया। अब ये ग्लॉस रखना है, मैट रखना है, कौन सा लगाएं, लेमिनेट लगाएं, एक्रिलिक लगाएं, डीको करें, पीयू करें, वो सब वीडियो के साथ साथ मैं बताता रहूंगा किस चीज में बेस्ट ये फील आने वाली है, किस प्राइसिंग में ये बेस्ट होने वाला है, तो वो जरूर आपको बताऊंगा। हाँ, अगर आपको ये देखना है कि किस प्लाई में बनना है ये, तो बेस्ट प्लाई फॉर इंडोर्स और कोई कोस्टल एरिया में रहता है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया, आई बटन में मैंने लिंक डाल दिया, आप जाओ तो वहां से चेक कर सकते हो। ये कुछ और कलर है, ये ऑरेंज कलर में है, ऑरेंज अगेन देख रहे हो, ऑरेंज और व्हाइट का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ये पर्पल कलर बोल लो इसको, इसको अगेन इसमें नीचे फ्लोरिंग व्हाइट है, सीलिंग व्हाइट है, इसलिए कैबिनेट जो है इसके नीचे भी पर्पल है और ऊपर भी पर्पल है। रेस्ट ऑफ द पार्ट में अगर ये पूरा एरिया देखोगे ये पूरा व्हाइट दिखाया गया है, ठीक है। ये रेड कलर है और मैंने एक जगह देखा भी है, भाई रेड मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं है, मतलब ये डार्क रेड हो जाता देखने में, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, बट भाई चॉइस है जिसका पसंद वैसा वैसा किचन। तो हमने भी ऐसे काफ़ी डिजाइन बनाए हैं, बट सीरियसली ये भी जिसको अगर पसंद आता है उसके लिए जो रेड कलर है बहुत बेस्ट लगता है, ठीक है। ये अगेन एक और ग्रीन है, ग्रीन एंड व्हाइट, तो देख रहे हो ग्रीन व्हाइट लाउड कलर के साथ प्ले करना है, यू हैव टू ऑलवेज पुट द व्हाइट। कहाँ कहाँ व्हाइट रखना है आपको, बैक्स बैस की टाइल को व्हाइट रखना है या उसके व्हाइट की कोई भी फैमिली का कलर, या अगर कोई इसी से कलर मैच कराना है तो बिल्कुल लाइटर शेड में, और ऊपर के जो कैबिनेट है वो आपको व्हाइट रखने हैं। पत्थर आप कोई भी जा सकते हो, ब्लैक व्हाइट ब्लू जो मिले वो डाल सकते हो। तो ये कुछ वो हो गए डिजाइन। एक तो भैया एप्पल का लैपटॉप जब से लिया है ना भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा है। तो अब बात करते हैं न्यूट्रल डिजाइन के ऊपर। तो भाई सही बताऊं ये जो चार है ना इसमें से लास्ट में बताऊंगा मेरा पर्सनल फेवरेट कौन सा है, बेस्ट कौन सा है जो मुझे लगता है। अब बात करते हैं न्यूट्रल के बारे में, ठीक है। पहले कुछ ये फोटोज देख लो, ये देख लो ये बेज और वाइट, लेकिन वाइट भी बहुत टाइप के वाइट आते हैं। अगर आपने घर में पेंट कराने का सोच रहे हो, अब तक सोचा वाइट कलर कराने वाले हो, तो वीडियो मैंने डाला है वाइट थीम इंटीरियर, देख लेना मजा आ जाएगा। ये बेज कलर दिस वन ऑफ माय फेवरेट, मतलब इतना सूदिंग कलर मुझे लगता है कि बहुत सही है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें जो चार एलिमेंट्स बताए थे ना डिजाइन थीम के, पहले आप कुछ फोटोज देख लो, ये एक्चुअल फोटोज है मतलब जो साइट हुई है। नाइस, लग रहा है ना मजा। दीज आर द न्यूट्रल कलर्स, मतलब कि ना डार्क ना लाइट, उसके बीच का जो टोन होता है, देख रहो आ रहा है ना मजा, बस यही मजा हमें देना है, ठीक है। ये जो नीचे कलर देख रहे हो ब्लू, ये उसमें जाएगा बोल्ड में। तब ये बात करते हैं, देखो न्यूट्रल कलर्स की सबसे खासियत क्या होती है कि आपको न्यूट्रल कलर्स जो सिंगल कलर टोन होता है वो हमेशा सेम रखना है, अलग नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने अलग अलग थीम बनाना शुरू कर दिया ना तो जो सिंपल कलर है ना प्लेन जो पूरी किचन की फील देता है वो खराब हो जाएगा। अगर आप इस फोटो में देखने वाले हो जो कि एक्चुअल है, ये हमने शायद बीपीटीपी में कहीं प्रोजेक्ट किया था तब उस टाइम की फोटो है, एक्रिलिक में बना हुआ है पूरा किचन, लेकिन कलर टोन देख रहे हो एकदम ट्रू, मतलब फोटो में उतना मजा नहीं आ रहा लेकिन जब आप एक्चुअल में खड़े देखोगे ना बहुत सही है। और मैं सही बताऊं जो जो ये वीडियो देख रहा है बहुतों के घर में ये होगा भी, तो बहुत सही लगता है देखने में, फील है और क्लासिक कलर है, आज भी है, 2025 में भी रहेगा, 2030 में भी ये कलर हमेशा चलेगा। अब नेक्स्ट में अगर आपको एक्सप्लेन करूं, ये भाई ये भी बहुत सही चीज़ है, पेस्टल है, लेकिन ये मैट में नहीं कराना है, किचन में मैट नहीं कराना है, ग्लॉस कराओ। हाँ, अगर आपके यहाँ मेड सर्वेंट हैं जो रेगुलरली किचन को मेंटेन करेंगे उनको आप अगर तब आप मैट फिनिश में जा सकते हो, क्योंकि ऑयल और शार्प चीज़ों का काफ़ी यूज़ होता है, जैसे नाइफ्स हो गए, फॉक्स हो गए, तो अगर लग जाता है तो स्क्रैच आ जाता है, फिर मैट को मेंटेन करना मुश्किल होता है, तो हाई ग्लॉस में हमेशा जाना। ये अगेन वही सूदिंग कलर्स हो गए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन
मैं तो कहूंगा खुद से मत बनाना, टीम को कॉल कर लेना ज्यादा बेटर बता देंगे, बट कॉम्बिनेशन अगर बनाओ तो सिंपल और पूरा प्लेन ही प्ले करना। तो अब ये कुछ फोटोज देख लो। देख लो अब इसमें वुड का टेक्सचर है लेकिन अगेन प्लेन है, और वुड में लो तो ज्यादा डार्क वुड नहीं लेना है, लाइटर शेड का वुड लो, प्लेन कलर लो, बहुत सुधिंग है। आखिरी में मैं वो आपको कलर कॉम्बिनेशन दे भी दूंगा जो आप इजीली मार्केट में जाना है, लेमिनेट का कोड बताना है और आपको इजीली किचन के वो जो शीट्स हैं लेमिनेट वो मिल जाएगी। तो ये तो रहा हमारा सारा किचन का जो डिजाइन है वो न्यूट्रल कलर में, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा उनके लिए जो थोड़ा कंटेम्पररी है, स्टाइलिश है और यूथ में काउंट होते हैं, तो उनके लिए कंटेम्पररी डिजाइन क्या होने वाला है। लेकिन कंटेम्पररी बाबू बड़ा ध्यान से प्ले करना पड़ता है, अगर कंटेम्पररी में एक आधा कलर ऊपर नीचे हो गया तो जितना किचन आप सुंदर सोच के चले थे उतना ही गंदा दिखाई देगा। तो बाकी दो में तो आप प्ले कर लोगे लेकिन कंटेम्पररी में बहुत ध्यान से प्ले करना पड़ता है। तो भाई जो हमारा कंटेम्पररी स्टाइल है उसमें जो कलर्स यूज होते हैं वो होते हैं ग्रे, वुड एंड वाइट। दीज थ्री कलर्स आर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंटेम्पररी स्टाइल्स, ठीक है। अब देखो ये 3D आप देख रहे हो, एक्चुअल पिक है वैसे, देख रहे हो वाइट आपका काउंटर हो गया, आइलैंड काउंटर जो बनाया हुआ है, वुड आपका कहीं कहीं यूज हुआ है और ग्रे पूरे किचन के पैनल पे बाहर में डाला हुआ है। अब इसमें आप चाहो तो किसी चीज को बहुत ज्यादा किसी चीज को बहुत कम कर सकते हो, लेकिन इन तीनों कलर का कंटेम्पररी स्टाइल में होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप डिटेलिंग में जाके देखोगे तो आपका माइक्रोवेव हॉब वगैरह वो ब्लैक में है, ग्लास जो है लगा हुआ है उस पर टिफन ग्लास, वुड का इधर पैनल डाला है, उसी वुड का पैनल आइलैंड काउंटर के अंदर भी डाला है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, अब देख लो पूरा वाइट है लेकिन वुड डार्क है, पूरा वाइट इसलिए डार्क वुड डाल दिया, नहीं तो लाइट वुड आता। और ब्लैक किधर दिख रहा है बताओ, ये दिखाई दे रहा है ब्लैक आपको, ये टैब जो डाला ब्लैक मैट फिनिश का है, सेंटी फिटिंग के लिए वीडियो डाली है जिसमें मैंने फिटिंग्स कौन सी अच्छी होती है वो वहां डाला, जाके ले सकते हो आप। और ऊपर जो इसके ऊपर ये नॉर्मल क्रॉकरी यूनिट्स का आइटम जो रखा है वो पूरा ब्लैक मैट में है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि कहीं भी आप पिंज को ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन इन तीनों कलर का पूरे किचन में होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको कुछ फोटोज दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो दिस इज इन ग्रे वाइट एंड ब्लैक, देख रहे हो ग्रे लेमिनेट्स हो गए और आपकी सिंक पे जो है वो जो आपका मिक्सचर है वो ब्लैक मैट है, अगेन वुड ग्रे एंड वाइट। अभी कलर कॉम्बिनेशन आपके हाथ में कि आप कैसा चूज करना चाहते हो, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हो कंसल्टेंसी कॉल जिसमें आपको डिजाइनर हमारा बता देगा। अब ये देख रहे हो कितना सही लग रहा है, डार्क ग्रे है लेकिन वुड जो डाला है उतना ही लाइट डाल दिया जिसकी वजह से कि जो फील है वो जबरदस्त आ रही है ये लाइट शेड में। और टेंशन नहीं है, लास्ट में मैं ये जो दिखा रहा हूँ कंटेम्प्रेरी का, न्यूट्रल का और आपका बोल्ड कलर्स का और ट्रेडिशनल का पूरा मैं एक थीम बना के आपको दे दूंगा, आप चाहो तो उसे ले सकते हो, जो यूनिवर्सल कलर है हर किसी को हर घर में अच्छा दिखाई ही देगा। और गाइज अगली वीडियो का मैं पोल डालूंगा कि दो ऑप्शंस दूंगा कि किस में से कौन सी वीडियो आपको चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो उस पर होने वाली है, नहीं तो आप कमेंट्स के थ्रू भी बता सकते हो। और भाई ये बहुत सुंदर लग रही है। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपकी किचन बड़ी है और आपके बीच में आइलैंड काउंटर है तो टास्क लाइटिंग का जरूर करना। टास्क लाइटिंग का मतलब होता है कभी आप मूवीज में देखते हो या कभी बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार्स में जाते हो तो टेबल के जस्ट ऊपर ड्रॉप लाइट होता है, क्यों डाला जाता है ड्रॉप लाइट, क्या सेंस है, बाकी एरिया लिटअप नहीं होगा, टेबल लिटअप होगा क्योंकि टेबल के ऊपर जो खाना है सबसे पहले बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर लगेगा और बहुत ही एस्थेटिकली वाइज बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। तो अगर आपके पास आइलैंड काउंटर है ना उसके ऊपर लाइट जरूर डालना, लेकिन लाइट ऐसी डालना जो तारों तरफ से कवर्ड हो, उसका ग्लेयर बाहर ना आए, सिर्फ नीचे नीचे ड्रॉप आए, बहुत सही फील आ जाएगी। अब जैसे इसमें शैंडलियर डाल रहा है देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन ये वर्थ नहीं है, प्रैक्टिकल यूज नहीं है क्योंकि लग्जरी विदाउट कंफर्ट डजंट मेक एनी सेंस। तो हमेशा ड्रॉप लेना ये, नहीं तो जब आप खड़े होगे लाइट ऑन करोगे आपके आंखों में लगेगी ये सारी लाइट है, ठीक है। और अगर घर में मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हो तो क्या ट्रिक्स हैं जो आपको देखनी है, कहीं स्कैम ना हो जाए, उसकी वीडियो आई बटन में डाल दिया, वहां पे मैंने पूरा प्राइसिंग क्या होता है, कितने में कौन सी बनेगी, पीयू की क्या रेट है, डिको का क्या रेट है, 1500 रुपये फुट से आएगी या 2000 फुट से आएगी, किचन का रेट कौन सा है, लकड़ी कौन सी अच्छी है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बनाया हुआ, जाके आप वो देखना जरूर, उसमें मैंने डिटेल में पूरा वीडियो है, आज की वीडियो सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन में। अब जब ट्रेडिशनल किचन की बारी आती है तो मतलब कि भाई रॉयल एक चीज होने वाली है जो कि महाराजाओं में या पुराने टाइप की जिसको चीजें पसंद है उसके लिए जो होती है ट्रेडिशनल किचन होती है। आजकल ये इतना हर कोई नहीं करता है बट जिसका टेस्ट है वो जरूर करता है। तो ट्रेडिशनल किचन का सिंपल सा एक फंडा है कि जो वॉल ट्रिम्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है जैसे कि मेरे पीछे लगा हुआ है, इनके ऊपर ये कार्विंग वाली वॉल ट्रिम्स आ जाते हैं जो कि पुराने वाला स्टाइल था और जहां भी कार्विंग है उसको कर्व शेप में आ जाता है जो कि एंटिक है, फोटो में आप देख सकते हो। तो अगर आप चाहो तो ये करा सकते हो लेकिन इसमें खामी भी है,
पैसा तो ज्यादा लगेगा लगा, लेकिन साथ में इस पे डीको या पीयू ही फिनिश हो पाएगा, इसके ऊपर कोई भी अलग से लेमिनेट लगा के फिर वो चीज़ आप नहीं कर सकते, तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है। आप चाहो तो इस पे भी जा सकते हो। अब इसमें कलर आप कोई भी चूज़ करते हो, बट जनरली इसमें जो कलर यूज़ होता है वो डार्क वुड और वाइट थीम में ही जाना पड़ता है। अब आप चाहो तो अपने मर्जी का कोई भी कलर करा सकते हो। अब मैं आपको कलर कॉम्बिनेशन देने जा रहा हूँ भाई, जिसमें आप अपने किचन को बहुत सुंदर बना सकते हो, और हमें कॉल करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पैसे बच जाएंगे कंसल्टेंसी के। वो तीन शेड्स हैं इनके ये, अब आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कलर कोड मैंने इनमें लिख दिया है। और जब हम डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन में हम कैसे दिखाते हैं, ये देख रहे हो, ये ऐसे वो कलर कोड हम देते हैं। जैसे अगर ये किचन डिज़ाइन हुआ है तो इसमें वुड का जो कलर आ रहा है वो कौन सा है, वाइट कौन सा है, ग्रे कौन सा है, और डार्क ग्रे का कलर कौन सा है। तो जब हम डिज़ाइन करते हैं वैसे, इसलिए फोटो पड़ी थी तो मैंने डाल दी है। तो अब मैं नॉर्मल रेट बता देता हूँ, डिटेलिंग तो मैंने आई बटन में डाल दी थी, वीडियो वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो अगर आप नॉर्मल लेमिनेट हाई ग्लॉस फिनिश में आप लेने जा रहे हो तो उसका जो समहाउ रेट आएगा वो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 1700 रुपये पर स्क्वायर फीट पर आ जाएगा। ये रैंडम है, क्योंकि किचन के कितने ड्रॉर्स हैं, कितने पल्ले हैं, कितने ओपन शेल्व्स हैं, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो 15-20% का जो आप कह सकते हो ऊपर नीचे अप डाउन आ सकता है। हाई ग्लॉस लेमिनेट का ये हो गया है। उसके बाद आपको अगर इसमें ड्यू को फिनिश जाना है तो 2000 रुपये, अगर आपके उससे ऊपर पीयू में जाना है तो 2500 से 3000 रुपये, तो ऐसे ऐसे करके रेट है। अब मैंने आपको बताया था दो ट्रिक, आपको लास्ट में बताऊंगा। तो फर्स्ट ट्रिक तो वो होगी कलर कॉम्बिनेशन। सेकंड ट्रिक जो अभी तक यहाँ देख रहा है वो ये है कि नॉर्मल प्लाई बोर्ड में किचन बनवाना वो बहुत सेफ पड़ता है। बॉक्स है प्लाई में, जो पल्ले बनेंगे वो ब्लॉक बोर्ड या प्लाई बोर्ड में होना चाहिए, और जो सिंक का एरिया है उस सिंक के एरिया में आपको वो वाला एरिया WPC या प्लास्टिक PVC बोर्ड से बनवाना है, क्योंकि वहाँ गीला सबसे ज़्यादा होता है, हिंजेस खराब हो जाते हैं, पानी जाता है, खराब हो जाता है बोर्ड। तो सिर्फ उस एरिया का पूरा जो डब्बा बनेगा और जो पल्ले बनेंगे वो PVC या WPC में बना देना, मज़ा आ जाएगा। और भाई वेबिनार आ रहा है, अगर आपने इसको इंजीनियर डिजाइनर आर्किटेक्ट है तो उस वेबिनार को ज्वाइन जरूर करना। यूट्यूब पे मैं आके लाइव अनाउंस करूंगा और इंस्टाग्राम पे अनाउंस करूंगा, तो वहां जाके फॉलो और यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।